हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने वीडियो को किस तरह एडिट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप अपनी वीडियो को किस तरह एडिट कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि आप अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करके किस तरह वीडियो बना सकते हैं और उसमें म्यूज़िक वगैरह किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी वीडियो को किस तरह एडिट कर सकते हैं। मुझे कमेंट आए थे कि आप बताएं कि आप वीडियो को किस तरह एडिट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपने कायन मास्टर पे। कायन मास्टर की ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर पर कायन मास्टर के नेम से सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये देखें, आपको दो साइड्स नज़र आ रही हैं। एक साइड पर ये देखें काइन मास्टर का जो लोगो है वो नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पे मेरी वीडियो जो मैंने वहाँ पे एडिट की है वो नज़र आ रही है। तो आपने जहाँ पे देखें प्लस का निशान नज़र आ रहा है, आपका वो उस बटन पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये देखें इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये देखें 6x9 है, 9x16 है, 1x1 है, सॉरी। तो पहले आपने ये देखें 16x9 है, ये यूट्यूब के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 9x16 है आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो एडिट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1x1 आप इंस्टाग्राम की फ़ोटो वगैरह को इंक्रीज या उसे एडिट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने बनानी है यूट्यूब के लिए वीडियो, तो हम सबसे पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद ये देखें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें आपके सामने, ये देखें इस साइड पे जो नज़र आ रहे हैं आपको लाइंस में, तो आप इसमें ये भी आपको वीडियो में इस्तेमाल करके पता चलेगा आप वीडियो में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरे साइड ये देखें चक्कर सा बना हुआ है, इसको भी बताएंगे कि आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वीडियो को किस तरह एडिट करते हैं। तो चलें ये देखिए, सबसे पहले हमें मीडिया पे जाना है। जो भी वीडियो आपने एडिट करनी है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपने, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखें यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, जो भी वीडियो आप ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर ली। ये इतनी लंबी नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप छोटी करने या बड़ी जितनी आप करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए ये वीडियो है, तो आप देखें इसमें अगर आपने कुछ कट करना है भी इससे, तो ये देखिए ये नज़र आ रहा है आपको, तो इसे आपने कट करना है। तो यहाँ पे देखें हम क्लिक करते हैं लास्ट से, तो ये देखिए यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आपने जाना है सीज़र का आपको ऑप्शन नज़र आ, वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं आगे कि आप इन्हें यूज़ करके इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए मैं एंड से इसे कट करूँगी, तो ये देखें जितनी आपने रखनी है वीडियो उतना, ये देखें कट हो गया। तो आज इसे आप ध्यान से देखें, ये आप कट हो गया, तो इसे अब हम ओके कर लेंगे। ये देखिए अब ये वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह अगर आपने बीच से यहाँ से अगर आपको कुछ कट करना है तो आप फिर जाएंगे सीज़र के निशान पे, तो ये देखें स्पील्ड एट प्ले हिट, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए दरमियान से जहाँ से आपने कट करना है वहाँ तक आप कट कर सकते हैं, ऐसे आप कट कर सकते हैं और इसे ओके करते हैं। इस तरह आप अगर आपने इसमें कोई इंट्रो वगैरह इसमें शामिल करना है तो भी आप इसमें इंट्रो वगैरह शामिल कर सकते हैं बीच में से, कि आप इंट्रो वगैरह शामिल इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे अगर आपने कुछ इसमें और ऐड करना है या इसमें कुछ इफेक्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। ये देखें इसमें अगर आप मीडिया पे जाएंगे तो कोई यहाँ पे आपने कोई और वीडियो, मतलब इसमें कोई अपना टाइटल या कुछ और शामिल करना है तो भी कर सकते हैं। ये देखें मैं ये वाला टाइटल इंट्रो जो है इसमें शामिल कर लेती हूँ यहाँ पे, तो ये देखें ये अब यहाँ पे इसमें शामिल हो जाएगा इधर।
तो इस तरह आप इसे शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ इफेक्ट यानी कुछ धुंधला वगैरह या ब्लर करना चाहें तो ये वाला ऑप्शन है। आप यहाँ से मेरी पहले वाली वीडियो इस बारे में बनी हुई है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि अपनी वीडियो को किस तरह आप ब्लर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो में कुछ और शामिल करना चाहें या फर्स्ट पे कुछ और शामिल करना चाहें तो भी आप यहाँ पे जाके ये देखिए मीडिया पे जाएं और कुछ भी जो आप शामिल करना चाहें, ये वाला इंट्रो मैं देखिए फर्स्ट में शामिल कर लेती हूँ। ये देखिए आप ये प्ले करती हूँ तो पहले ये वाला इंट्रो आएगा, फिर इसके बाद वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह, ये देखिए ये पहले इंट्रो आएगा, जो आपने टाइटल वगैरह बनाया वो लिखें और इसके बाद ये देखें ये वीडियो आ जाएगी, आप वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप नहीं एडिट करना चाहते, अपनी वीडियो वैसे के वैसे रखना चाहते हैं तो भी, तो अगर आप अपनी वीडियो वैसे के वैसे रखना चाहते हैं तो भी आप ये देखें ऊपर आपको जो गोलदायरे वाला निशान नज़र आ रहा होगा तो वहाँ पे आप क्लिक करके इस तरह अपनी वीडियो वापस जिसी है वैसी कर सकते हैं। अगर आपने दोबारा वैसी कर बनाई हुई आपने रखनी है तो दूसरे सेकंड नंबर पे आपने का ऑप्शन नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके वैसी रख सकते हैं। इस तरह आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे आप, अगर आपने लास्ट पे कुछ शामिल करना है, कोई क्लिप वगैरह शामिल करनी है तो भी आप वीडियो में जाके अपनी वीडियो में जाके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। तो मैं लास्ट में आपको बताने के लिए ये देखें ये वाली सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो फिर ये आप वीडियो सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें इस तरह आप इसे सिलेक्ट करके लास्ट में ये वाली वीडियो जिस तरह आप चाहें लगा सकते हैं। तो इस तरह आप इसे ये देखें आपके शेयर का आपको निशान नज़र आ रहा है, वहाँ पे जाके आपने इसे सेव कर लेना है, जहाँ पे आप सेव करना चाहें। ये देखें एक्सपर्ट पे जाके इसे हम सेव कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को राम दियो।